खबर की ओर। भरतपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दौसा में पुलिस पर फायरिंग का ये पूरा मामला है और दौसा पुलिस पर फायरिंग करने के आरोपी की भरतपुर में तलाश की जा रही है। भरतपुर का रहने वाला है एक आरोपी। आपको बता दें कि भरतपुर सीओ सर्किल में दौसा पुलिस की दबिश लगातार जारी है और आरोपी के परिजनों को भी हिरासत में लेने की सूचना मिली है। भरतपुर में दौसा पुलिस अब तलाश कर रही है। तो देखिए, पुलिस अब सर्च अभियान चला रही है। भरतपुर में दौसा पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, पुलिस पर फायरिंग करने का ये पूरा मामला है और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो नहीं पा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भरतपुर में आरोपी वहीं का रहने वाला बताया जा रहा है, वहीं पर अभी पुलिस तलाश अभियान चला रही है। देखिए बिल्कुल आयुषी, ये जो पूरा मामला है वो दौसा में पुलिस पर फायरिंग करने का मामला है और जो आरोपी है वो भरतपुर का बताया जा रहा है। भरतपुर का जो सीओ सर्किल है वहां का रहने वाला बताया जा रहा है और दौसा पुलिस है जो भरतपुर की स्पेशल टीम है वो लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सूचना ये भी मिल रही है कि जो आरोपी है उसके परिजनों को भी हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी जानकारी जो है वो दर्शकों को हम बता रहे हैं कि देर रात को ही जो दौसा पुलिस है वो यहाँ पर पहुंचने की सूचना मिली थी और जैसे ही पुलिस को लगा कि आरोपी भरतपुर में छिपा हुआ है उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है और सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। एक आरोपी जो है पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में वो भरतपुर का रहने वाला है, दूसरे आरोपी की भी पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है, मुखबिरी की जो सूचना तंत्र से पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि देर रात से ही यहाँ पर दबिश दी जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ये बड़ी जो है विफलता पुलिस की कही जा सकती है, लेकिन पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो लगातार दबिश दे रही है। उनका कहना है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके जो आरोपी के परिवार के लोग हैं उनको भी हिरासत में लेने की जो जानकारी है वो मिल रही है। अब उनसे पुलिस पूछताछ करेगी कि वो आरोपी कहाँ छिपा हुआ सकता है, उसके आधार पर फिर आगे जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। जी बिल्कुल। अब दीपक देखिए, कल तो दिन में सर्च ऑपरेशन चलाया ही गया और रात में भी पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस के जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं। अभी आरोपी जो है उससे पूछताछ नहीं हो पाई है क्योंकि उसकी तलाश अभी जारी है। जो आरोपी के परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ की गई है, उनका अभी क्या कहना है, उन्होंने किसी का और नाम बताया है? देखिए, जो आरोपी के परिजन है जिनको हिरासत में लेने की जानकारी मिल रही है, पुलिस ने संभवतः उनसे पूछताछ की है, लेकिन इस पूरे मामले को गोपनीय रखा गया है। ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है पूछताछ, और इसमें किसी भी तरह के जब खुलासे होते हैं तो उनको पारदर्शित नहीं किया जाता है, उनको गोपनीय रखा जाता है और यही इस पूरे मामले में देखने को मिला है। इस पूरे चलिए दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन आज, आपको बता दें कि सीएमआर में कार्यक्रम होगा। सीएम गहलोत 109 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण करेंगे। 122 करोड़ की लागत से बने 109 चिकित्सा संस्थानों का आज लोकार्पण किया जाएगा। 320 करोड़ के 115 चिकित्सा संस्थानों का आज शिलान्यास भी होगा। 70 चिरंजीवी, 104 और 108 एम्बुलेंस राज्य को समर्पित आज सीएम करेंगे। चलिए सीधे लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ड्यूरिंग द लास्ट 9 ईयर्स इंडिया हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ अवर सस्टेन एफर्ट्स। वी एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। In 2014, we have increased competitiveness and enhanced transparency. We have expanded digitization and promoted innovation. We have established dedicated freight corridors and built industrial zones. We have moved away from red tape to red carpet and liberalized FDI flows. Initiatives like
मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत हैव गिवन अ बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग. Above all, we have brought policy stability. We are committed to make India the third largest global economy in the next few years. Friends, current global challenges, from the pandemic to geopolitical tensions, have tested the world economy. At G20, it is our responsibility to rebuild confidence in international trade and investments. We must build resilient and inclusive global value chains that can withstand future shocks. In this context, India's proposal to create a generic framework for mapping global value chains is important. This framework aims to assess vulnerabilities, minimize risks, and enhance resilience. Excellencies, technology's transformative power in trade is undeniable. India's shift to an online single indirect tax, the GST, helped create a single internal market boosting interstate trade. Our unified logistic interface platform makes trade logistics cheaper and more transparent. Another game changer is open network for digital commerce, which will democratize our digital marketplace ecosystem. We have already done that with our unified payments interface for payment systems. Digitizing process and use of e-commerce have the potential to enhance market access. I am glad that your group is working on the high-level principles for the digitization of trade documents. These principles can help countries in implementing cross-border electronic trade measures and reduce compliance burdens. As cross-border e-commerce continues to grow, there are challenges as well. We need to work collectively to ensure equitable competition between large and small sellers. We also need to address the problem faced by consumers in fair price discovery and grievance handling mechanism. Excellencies, India believes in a rule-based, open, inclusive, multilateral trading system with the WTO at its core. India has advocated the concerns of the Global South at the 12th WTO Ministerial Conference. We were able to forge consensus on safeguarding the interests of millions of farmers and small businesses. We must pay more attention to MSMEs, given their key role in the global economy. MSMEs account for 60-70% of employment and contribute 50% of the global GDP. They need our continued support.
their empowerment translate to societal empowerment. For us, MSME means maximum support to micro, small and medium enterprises. India has integrated MSMEs into public procurement through our online platform, Government e-Marketplace. We have been working with our MSME sector to adopt the ethos of zero defect and zero effect on the environment, increasing their participation in global trade and global value chains has been a priority of the Indian presidency. The proposed Jaipur initiative to foster seamless flow of information to MSMEs will address the challenge of inadequate access to market and business related information faced by MSMEs. I am also confident that the upgrade of the global trade help desk will increase participation of MSMEs in global trade. Excellencies, it is our collective responsibility as one family to restore confidence in international trade and investment processes. I am confident that you will work collectively to ensure that the global trading system gradually transitions into more representative and inclusive future. I wish you all success in your deliberations. Thank you. Thank you very much. अपना संबोधन दे रहे थे, कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। भारत दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, ये कहा है उन्होंने। कहा कि दुनिया को भारत से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे, जिसको लेकर के वो अपना संबोधन दे रहे थे। कई बड़ी बातें उन्होंने कही, मेक इन इंडिया से उत्पादन को बढ़ावा मिला है, भारत दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। तो दुनिया को भारत से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। तो G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और कई बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। भारत दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेक इन इंडिया से उत्पादन को बढ़ावा मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लवली, देखिए G20 को लेकर के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया और कई बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। आज देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के संबोधन से एक बात तो स्पष्ट है कि भारत जो है वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने के साथ साथ ही एक मजबूत स्तर पर जो देश विकसित नहीं है और जो विकसित देश नहीं है और जो विकसित देश है उनके बीच में एक सेतु का काम करने जा रहा है। आज भारत को मेजबानी मिली है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहित उनकी जो पूरी टीम है इस पूरे इवेंट को लेकर के, इस पूरी बैठक को लेकर के जो तैयारियां की गई है वो काबिले गौर है कि तमाम मंत्रियों से लेकर के तमाम जो मसले जो रखे जा रहे हैं मंत्रियों के साथ में जो बैठक होने जा रही है उन पर ऐसे मसले रखे जा रहे हैं जिन पर आज तक चर्चा की नहीं गई, ऐसे गंभीर मसलों को रखा गया है। जो निचले स्तर के जो का जो व्यापार है उस पर बात जो है वो यहां पर की जाएगी। इसके साथ ही जयपुर चैप्टर पर भी बात की जाएगी, जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो जयपुर के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट कला से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उस पर एक बड़ा मंथन जो होगा वो यहां पर होगा। ब्राजील के जो मंत्री हैं वो यहां पर, उनका भी संबोधन होगा। इसके साथ में इंडोनेशिया के जो मिनिस्टर हैं उनका भी यहां पर संबोधन होगा। बाकी यहां पर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान निवेश की जो पॉलिसीज हैं, भारत की पॉलिसीज और तमाम देशों की जो पॉलिसीज हैं
उसको लेकर के बातचीत की जाएगी। G20 समूह के तमाम मंत्री इस पर जो है वो गहन मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। पूरे दिन भर बैठकों का दौर चलेगा, दो सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। दोनों सेशन के अंदर जो मंत्री पीयूष गोयल हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ में मौजूद रहेंगे, भारत सरकार के तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक को लेकर के जयपुर को इसलिए चुना गया क्योंकि जयपुर अपने आप में एक बड़ा कैपिटल कहा जाता है, बिजनेस कैपिटल कहा जाता है। और बिजनेस कैपिटल होने के साथ साथ यहां पर जो आर्ट हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो बड़े उद्योग हैं वो उद्योग जो हैं वो यहां पर बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां पर काम होता है और इसीलिए जयपुर को चुना गया है। हर जो मंत्री समूह का जो पदाधिकारी है वो जयपुर आना चाहता था। इससे पहले उदयपुर में बैठक हुई, तीन बैठकें हो चुकी है पहले, लेकिन ये चौथी और महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जयपुर में आयोजित हो रही है। कल ही मंत्री पीयूष गोयल से जब न्यूज 18 ने सवाल किया था कि इस G20 की बैठक का क्या लाभ मिलने वाला है देश को, आने वाले समय में क्या होगा, तो उनका कहना था कि आने वाले 10 सालों के अंदर जो देश की इकोनॉमी है वो 10 गुना बढ़ने जा रही है। 350 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी पहुंचाने की बात उन्होंने कही कि वहां तक पहुंचने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है वो इस इकोनॉमी को के पास पहुंचने के साथ साथ ही अविकसित देशों को अपने साथ में लेकर के G20 समूह की मेजबानी जरूर हमें मिली है, लेकिन मेजबानी के साथ साथ ही पूरी तरीके से जो देश के अंदर जो ट्रेड का माहौल है उस माहौल को बदलने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और विदेशी निवेश जब देश के अंदर आएगा, देश का पैसा देश में रुकेगा, तो जाहिर तौर पर इकोनॉमिकल रूप से, फाइनेंशियल रूप से देश के तमाम उद्यमियों को, तमाम उद्योगों को एक जीवन दान मिलेगा। आज जयपुर के तमाम जो व्यापारी हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े व्यापारी हों, ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े व्यापारी हों, तमाम लोगों को यहां पर मंच दिया गया है, एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है वहां पर। जयपुर और राजस्थान से जुड़े जो तमाम प्रोडक्ट हैं वो यहां पर पेश किए गए हैं, कोटा की डोरिया की साड़ी पेश की गई है, जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर पेश किया गया है। तमाम चीजों को पेश करने के साथ साथ ही जयपुर में जो ज्वेलरी का काम है, जो नकाशी का काम है, जो चूड़ी बनाने का काम है, तमाम जो कलाकार हैं जो उन्हें यहां पर मौका दिया गया, मंच दिया गया, कुटीर उद्योग से जुड़े लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। सेशन के दौरान जो है तमाम जो देशों के मंत्री हैं, G20 समूह के जो तमाम देशों के जो मिनिस्टर हैं वो इस पर मंथन कर रहे हैं, राजस्थान के बारे में जानेंगे, देश के बारे में जानेंगे। और पिछली जो तीन बैठकें हुई है उसमें जो कुछ मंजूर किया गया तब तक का जो एजेंडा रहा है उसे यहां पर सबमिट किया जाएगा, उस पर भी बिल्कुल लवली। देखिए G20 समिट की ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना संबोधन दिया और उसके बाद से आज कहा जा रहा है कि 350 डेलीगेट्स है वो जयपुर पहुंचेंगे और आज देखना होगा जब ये बैठक होगी क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तैयारी भी की गई है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। 109 चिकित्सा संस्थानों का आज लोकार्पण किया जाएगा। 122 करोड़ की लागत से बने 109 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण होगा, तो CMR में ये कार्यक्रम रखा गया है। आपको बताएं ये बड़ी जानकारी टीवी मुक्त राजस्थान सम्मेलन आज और CMR में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 115 चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास होगा, 70 चिरंजीवी, 104 और 108 एम्बुलेंस राज्य को समर्पित आज CM करेंगे। दोपहर 12 बजे CMR में ये कार्यक्रम होगा। तो टीवी मुक्त राजस्थान सम्मेलन का आज आयोजन होना है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोटा में होगी गहलोत कैबिनेट की बैठक। 3 और 4 सितंबर को कोटा दौरे पर सरकार रहेगी। 3 सितंबर को रिवर फ्रंट का लोकार्पण होगा और 4 सितंबर को ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण यहां पर किया जाएगा। कोटा में विधायकों की बैठक भी CM लेने वाले हैं। तो कोटा में गहलोत कैबिनेट की यह बैठक होगी, आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, और विधायकों की बैठक CM लेंगे, उनसे विमर्श चर्चा विमर्श किया जाएगा। 3 सितंबर को रिवर फ्रंट का लोकार्पण होना है। तो चले रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। अलवर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बहरोड की ग्राम बसई की सरपंच निलंबित की गई है, रिश्वत मामले में दोषी पाई गई है और इसी वजह से इनको निलंबित किया गया है। पंचायत विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। सरपंच मीनाक्षी मीणा देवी के पति को ACB ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। 2 साल पहले जमीन का पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत ली थी।
तो जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, आरएमजीबी शाखा सांकड़ा के आगे धरना प्रदर्शन और आज बैंक मैनेजर द्वारा 2 करोड़ रुपए से जुड़ा घोटाला और इसी को लेकर के देखिए धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। शाखा प्रबंधक ने एक कर्मचारी की आईडी का उपयोग लेकर के घोटाला किया था।